हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एब्रीवेशंस और फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पर क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा है और इन्हें एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीवेशन का फर्स्ट पार्ट है। तो बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली फुल फॉर्म आती है हमारी आईटी। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पीसी, पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर। ओएस, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू के ही पार्ट आते हैं हमारे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और नेक्स्ट पार्ट हमारा जो सीपीयू का आता है वह है सीयू। CU means control unit, MU memory unit, BIOS basic input output system, POST power on self test। कंप्यूटर सिस्टम का पहला टेस्ट जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस टेस्ट को करता है और यह टेस्ट कहलाता है POST power on self test। RAM random access memory। RAM जो है हमारी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM। DRAM means डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं ROM की। ROM means रीड ओनली मेमोरी। ROM की हमारी तीन टाइप है, ROM, EPROM, EEPROM। ROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR OCR MICR ये तीनों के तीनों स्कैनर हैं एक प्रकार के। MICR जो है ये स्पेशली बैंकों के लिए है, ये जो हमारा स्कैनर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। BCR नेक्स्ट आता है बार कोड रीडर। बार कोड को स्कैन करने के लिए PCR का यूज़ किया जाता है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का दूसरा नाम VDU कहलाता है और मॉनिटर किस पर आधारित होता है, CRT पर। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट इमिटिंग डायोड। VGA वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। EVGA एनहेंस्ड वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस दो प्रकार के हैं, CUI और GUI। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है, इसीलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। HTML एक वेब डिजाइनिंग के लिए लैंग्वेज है, ये वेब डिजाइनिंग के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तीनों की तीनों हमारी वेब डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है ये लैंग्वेज। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस के लिए स्पेशली ये लैंग्वेज यूज की जाती है COBOL। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तीनों के तीनों हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, COBOL बेसिक और फोर्ट्रान। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। CC कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC और BCC दोनों ईमेल की ही टर्म है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑनलाइन जो बिजनेस किया जाता है, सेल और परचेज जो की जाती है वह ई कॉमर्स कहलाता है। ARPANET सबसे पहला नेटवर्क। ARPANET
1969 में सबसे पहला नेटवर्क स्टार्ट हुआ था और उसका नाम था आर्पानेट। आर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है मोडेम डिवाइस। आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।